पेंशनर्स कल्याण संघ किन्नौर के 55वें सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर रिकांगपियो में प्रदर्शन किया और उपायुक्त कार्यालय तक शांतिपूर्ण रैली निकाली। इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों से बातचीत में पेंशनर्स वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारी जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर प्रदेश के आगामी बजट में पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट ग्रेच्युटी और मेडिकल रीइंबर्समेंट को लेकर प्रावधान करने की मांग की गई है। प्रदेश के सारे पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर इस उम्र में सड़कों में उतर आए हैं। हैरानी की बात है कि प्रदेश सरकार हमारे इन चिरलंबित मांगों को मानने के लिए, सुनने के लिए कतई तैयार नहीं है। हमने इस मेमोरेंडम के माध्यम से प्रदेश सरकार से विनम्र अनुरोध किया है कि आप आने वाले बजट में हमारे जितने भी देय है, चाहे वो लीव एनकैशमेंट हो, चाहे वो कम्युटेशन हो, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, या बहुत सारे जो मेडिकल रिइंबर्स भी पेंडिंग पड़े हैं, उन मांगों को बजट में प्रोविजन करें और हमारे देय अतिशीघ्र हमें जारी किया जाए।